बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सुडो कोड के टॉपिक को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, फ्लोचार्ट। तो डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने एल्गोरिथम और सुडो कोड की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। और एल्गोरिथम क्या था? वो सेट्स ऑफ स्टेप्स जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए लिखे जाते हैं। और फ्रेंड्स, हमने वहां आपसे एक एग्जांपल शेयर की थी कि एक छोटा बच्चा है जो पहली बार स्कूल जा रहा है, लेकिन स्कूल जाने से पहले उसे किस तरह से रेडी होना है ये उसे नहीं पता। और फिर उसके पेरेंट्स उसको कुछ स्टेप्स पर मुश्तमिल एक एल्गोरिथम बना कर देते हैं कि फर्स्ट वेक अप, देन ब्रश योर टीथ, देन टेक ब्रेकफास्ट, ड्रेस अप, सिट इनटू द कार एंड गो टू द स्कूल। तो ये क्या था? एक एल्गोरिथम। लेकिन दोस्तों, अब वो तो एक बच्चा ही है, पेरेंट्स के बताए गए स्टेप्स को भूल भी सकता है तो, और आगे पीछे भी कर सकता है। तो उसी एल्गोरिथम के स्टेप्स को और वाजे करने के लिए, ताकि चीजें बच्चे को और ज्यादा आसानी से समझ आ जाएं, उसके पेरेंट्स ने उस एल्गोरिथम के तमाम स्टेप्स को विजुअलाइज कर दिया, उसको पिक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये आपके सामने है। अब जब वो इन पिक्चर्स के जरिए बच्चे को समझाएंगे तो चीजें ज्यादा देर तक उसके दिमाग में फिट हो सकेंगी, क्योंकि साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि जो चीज आपके सामने लिखी हुई है और उसी चीज की आपके सामने कोई तस्वीर मौजूद है, तो तस्वीर वाली चीज को आपका दिमाग ज्यादा देर तक याद रखता है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को फ्लो चार्ट कहा जाता है। और फ्लो चार्ट क्या है? अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम और प्रोग्राम लॉजिक। यानी फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, ये बस आपके एल्गोरिथम के हर एक स्टेप को जब आप पिक्चर्स में ट्रांसलेट कर देते हैं तो वही एल्गोरिथम अब कहलाएगा फ्लो चार्ट। दोस्तों, फ्लो चार्ट के जरिए आपका प्रोग्राम और ज्यादा वाजे हो जाता है, उसको समझना और आसान हो जाता है। और सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि इसके थ्रू आपके पूरे सॉफ्टवेयर का फ्लो नजर आ जाता है कि कब क्या लॉजिक लग रही है, क्या इनपुट्स हैं और इनपुट्स पर किस तरह से प्रोसेसिंग होकर आउटपुट निकाले जा रहे हैं। और ये तमाम चीजें शो की जाती हैं कुछ फिक्स्ड शेप्स के जरिए। यानी इससे हमें ये पता चला कि जिस तरह एल्गोरिथम में आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता था, पहले आप एल्गोरिथम को स्टार्ट करते थे, देन इनपुट्स देते थे, उसके बाद इनपुट्स को देने के लिए आप रीड का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, इसी तरह कोई चीज प्रोसेस करते थे तो कैलकुलेट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, और फिर रिजल्ट को शो करवाने के लिए राइट, और आखिर में एल्गोरिथम को खत्म हो जाने पर एंड लिखते थे। ऐसे ही फ्लो चार्ट में भी इन तमाम स्टेप्स को कुछ मखसूस शेप से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, जिसको फ्लो चार्ट सिंबल भी कहा जाता है। और उन शेप्स में जो टेक्स्ट लिखा होता है वो ये बताता है कि ये शेप्स क्या काम कर रही हैं। और फ्लो चार्ट का जो सबसे पहला सिंबल है वो कहलाता है टर्मिनल सिंबल, दोस्तों, जो कि इस तरह की ओवल शेप का होता है। और जब भी आप फ्लो चार्ट को शुरू करेंगे या फिर खत्म करेंगे तो उसके लिए इसी टर्मिनल सिंबल को यूज करेंगे। और अगर इसमें लिखा होगा स्टार्ट तो ये आपको बताएगा कि अब आपका फ्लो चार्ट शुरू हो रहा है, और अगर इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होगा एंड तो ये बताएगा कि फ्लो चार्ट अब खत्म हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है इनपुट आउटपुट सिंबल। दोस्तों, जिस तरह एल्गोरिथम में आप किसी भी डेटा को इनपुट लेने के लिए रीड और आउटपुट के लिए राइट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, फ्लो चार्ट में आप किसी भी डेटा को रीड और राइट करने के लिए इस पैरेललोग्राम शेप का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसको इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसमें लिखेंगे रीड या फिर इनपुट, और अगर आप इसको आउटपुट के लिए यूज करेंगे तो लिखेंगे राइट या फिर प्रिंट और डिस्प्ले वगैरह। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है प्रोसेस सिंबल। दोस्तों, ये प्रोसेस सिंबल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सिंबल है, क्योंकि ये बताता है कि आपके प्रोग्राम में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे पीछे जब हमें सम के लिए एक एल्गोरिथम लिखा था तो वहां मेन स्टेप था उन दो नंबर्स को प्लस करवाना, यानी सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यही स्टेप कहलाता है प्रोसेसिंग स्टेप, जिसमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, और इसको रेक्टेंगुलर शेप से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है फ्लो लाइंस। दोस्तों, फ्लो लाइंस फ्लो चार्ट्स के सीक्वेंस का बताती है, और ये इस तरह के एरोस के जरिए रिप्रेजेंट की जाती है।
और इन एरोस की डायरेक्शन से आपको अपने पूरे प्रोग्राम के फ्लो का पता चल जाता है। आमतौर पर ये लाइन स्टॉप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे या फिर दाएं से बाएं जाने मूव करती है। और दोस्तों फ्लो चार्ट बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि ये फ्लो लाइंस आपस में टकराए नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है डिसीजन सिंबल। दोस्तों ये सिंबल आमतौर पर तब यूज किया जाता है जहां पर प्रोग्रामर के पास एक से ज्यादा रास्ते मौजूद होते हैं और वहां उसे डिसाइड करना होता है कि आया पहला रास्ता बेहतर है या फिर दूसरा। इसी तरह और फिर इस डिसीजन को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट कराया जाता है वो कहलाता है डायमंड सिंबल। इसके अलावा अगर आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो गया है, एक से ज्यादा पेजेस पर जा रहा है, तो उन पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ऑन पेज कनेक्टर सिंबल को यूज किया जाता है जो कि सर्कल से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर या एक वेबसाइट है जो कि कई पार्ट्स पर मुश्तमिल है, उसमें लॉगिन के लिए अलग फ्लो चार्ट है, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग फ्लो चार्ट है, इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन के लिए अलग। तो अगर इन तमाम फ्लो चार्ट्स को आपस में जोड़ना है तो इसके लिए ऑफ पेज कनेक्टर सिंबल को यूज किया जाता है जो कि इस शेप का होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है प्री डिफाइंड प्रोसेस सिंबल। दोस्तों प्री डिफाइंड के मानी होते हैं कि अगर आपने पहले से कोई चीज डिफाइन की हुई है तो ये कहलाएगा प्री डिफाइंड। जैसे मान लें आपने दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है सम का किसी फ्लो चार्ट में, और अगर आप कि कोई दूसरा फ्लो चार्ट बना रहे हैं जिसमें आप उस सम के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं जो कि पहले से आपने किसी और फ्लो चार्ट में डिफाइन किया हुआ है, तो उसके लिए जो आप सिंबल यूज करेंगे वो कहलाएगा प्री डिफाइंड प्रोसेस सिंबल जो कि कुछ इस शेप का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है एनोटेशन सिंबल। दोस्तों अगर आप अपने फ्लो चार्ट के किसी भी सिंबल के आगे उसकी मजीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, जैसे ये प्रोसेस का सिंबल है इसमें लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब अगर आप इसको मजीद डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि इस प्रोसेस सिंबल के अंदर क्या काम हो रहा है यानी इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो वो आप इस सिंबल के थ्रू देंगे यानी आप उस सिंबल के आगे इस तरह की डैश डैश लाइन लगा देंगे और उसके अंदर आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, तो ये कहलाएगा एनोटेशन सिंबल। तो डियर फ्रेंड्स ये वो तमाम सिंबल्स थे जो कि फ्लो चार्ट को बनाते वक्त इस्तेमाल होते हैं। आइए अब इन सिंबल को यूज करते हुए आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह से फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं ये देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, यानी यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास दो नंबर्स मौजूद हैं, यानी दो नंबर्स हमें इनपुट लेने हैं और इनपुट लेने के बाद उन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ना है यानी उनको सम करना है। तो डियर फ्रेंड्स याद रखिए फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो यानी ये जो है आपके एल्गोरिथम की पिक्चर्स, यानी जब आप अपने एल्गोरिथम को पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कहलाएगा फ्लो चार्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सबसे पहले एल्गोरिथम लिखा हुआ होना चाहिए ताकि हम उसी एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में तब्दील करें। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम इसका एल्गोरिथम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा। आप सबसे पहले एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पहले नंबर को इनपुट लेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर को इनपुट लेंगे और फिर स्टेप फोर के अंदर आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करवा कर इनका जो रिजल्ट है वो आप स्टोर करवा देंगे एक तीसरे वेरिएबल में जिसका नाम है सम, और उसके बाद आप उस सम को राइट कर देंगे यानी डिस्प्ले करवा देंगे और आखिर में आप इस एल्गोरिथम को एंड कर देंगे। अब दोस्तों हम इस एल्गोरिथम को कन्वर्ट करने जा रहे हैं फ्लो चार्ट में, तो उसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा। स्टार्ट के लिए आप ओवल शेप को लेंगे, उसके बाद आप दो नंबर्स को इनपुट लेंगे यानी इनपुट करेंगे नंबर वन और नंबर टू। अब दोस्तों आप ये देखिए कि ये जो फ्लो लाइंस होती हैं, ये जो एरोज होते हैं, ये फ्लो चार्ट के अंदर मौजूद जितनी भी शेप्स होती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये देखिए इन दोनों शेप को जोड़ने के लिए हमने इस फ्लो लाइन इस एरो को यूज किया है और यहाँ पर हमने इनपुट लेने के लिए इस पैरेललोग्राम को यूज किया है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट लेने के लिए जिस शेप का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमने इनपुट लिया है दो नंबर्स को इस पैरेललोग्राम शेप में। इसके बाद अब हमने इनपुट ले लिया है, अब बारी आती है स्टेप फोर की, यानी इन दोनों नंबर्स को
प्लस करने की, और इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, यानी हम इन दोनों नंबर्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, कोई काम करवा रहे हैं, और काम करवाने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर सिंबल को। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया और उसके अंदर ये एक्सप्रेशन लिख दी, सम इक्वल्स टू नंबर वन प्लस नंबर टू। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सम आ चुका है, अब बारी आती है इस सम को डिस्प्ले करवाने की, इस सम को प्रिंट करवाने की, यानी इसका आउटपुट जो है वो शो करवाने की। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि इनपुट और आउटपुट के लिए हम सेम सिंबल को यूज करते हैं, यानी पैरेललोग्राम को यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया और इसके अंदर लिख दिया प्रिंट सम। इसके बाद ये हमारा जो फ्लो चार्ट है इसका काम हो चुका है। अब हमें बताना है कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है। इसको खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं ओवल सिंबल को, जो कि स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्लो चार्ट को शुरू और खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम किसी भी दो नंबर्स को सम करने के लिए। इसके बाद इसको मजीद हम और समझने के लिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ थ्री सब्जेक्ट नंबर्स, यानी हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स हैं और उनके नंबर्स हैं, उन नंबर्स की हमें परसेंटेज निकालनी है। तो जाहिर सी बात है कि हमें सिर्फ फ्लो चार्ट बनाने से पहले हम इसका एल्गोरिथम बनाएंगे, जो कि इस तरह से होगा। दोस्तों याद रखिए, हमें तीन सब्जेक्ट्स के नंबर्स पहले इनपुट करवाने हैं, ताकि हमारा जो एल्गोरिथम या फिर फ्लो चार्ट है वो उसकी परसेंटेज निकाल सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हम तीन नंबर्स को देंगे, यानी तीन नंबर्स इनपुट देंगे। तो यहाँ पर हमने इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी दे दिया। इसके बाद अब बारी आती है इसकी परसेंटेज निकालने की, और परसेंटेज का फॉर्मूला आप जानते हैं कि पहले हमने तमाम नंबर्स को प्लस करना होता है, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो टोटल नंबर्स होते हैं, यानी अगर आपको 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले हैं, यानी तमाम जो आपके पेपर्स थे उनके नंबर्स 100 100 100 थे, तो जो टोटल मार्क्स होंगे तीन सब्जेक्ट्स के वो बनेंगे 300। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इन तीनों नंबर्स को सम करेंगे, और सम करने के बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। हमने बिल्कुल ऐसे ही किया, हमने एक वेरिएबल लिया mul mul, और उसके अंदर हमने तीनों नंबर्स को प्लस करवाया, और प्लस करवाने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करवा के जो भी रिजल्ट आया उसको स्टोर करवा दिया इस वेरिएबल में। अब दोस्तों हमें इस जो रिजल्ट आया है इसको डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से, विच इज अ 300। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में एक एक्सप्रेशन लिखी, div equals to mul, यानी ये जो हमारा रिजल्ट आया था इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी इसको हमने डिवाइड कर दिया 300 से। तो अब हमारे पास हमारी परसेंटेज मौजूद है थ्री सब्जेक्ट्स की। इसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया और आखिर में एल्गोरिथम को एंड कर दिया। अब बारी आती है इस एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में तब्दील करने की। तो दोस्तों इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होगा, स्टार्ट के लिए आप ओवल शेप का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप इनपुट लेंगे तीन नंबर्स को, हमने इस तरीके से तीन वेरिएबल्स के अंदर इन नंबर्स को जो है वो इनपुट ले लिया। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगुलर एक शेप यूज करी है, जिसके अंदर हमने इन दोनों जो हमारे प्रोसेस हो रहा था, जो हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, उसको हमने यहाँ लिख दिया mul equals to a plus b plus c multiplied by 100। उसके बाद इस वाले स्टेप को भी हमने इसके साथ ही लिख दिया। आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर दो एक्सप्रेशन में प्रोसेसिंग साथ हो रही है, यानी दो स्टेप्स हैं और दोनों एक साथ हैं और उनके अंदर प्रोसेसिंग साथ हो रही है या फिर इनपुट साथ लिया जा रहा है, तो आप उनको एक ही बॉक्स के अंदर शो करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इन दोनों प्रोसेसेस को, इन दोनों ऑपरेशंस को इस एक ही रेक्टेंगुलर शेप के अंदर लिख दिया है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और इस तरह से साथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने प्रिंट करवाने के लिए इस पैरेललोग्राम शेप का इस्तेमाल किया और हमने प्रिंट div, जिसमें हमारा रिजल्टेंट जो आखिरी रिजल्ट था वो जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, हमने उसको प्रिंट करवा दिया और आखिर में हमने इस एल्गोरिथम को, इस फ्लो चार्ट को स्टॉप कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसकी शेप्स कौन कौन सी होती हैं और वो किस वजह से यूज की जाती हैं, और उसकी ये तमाम एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।